आप सभी को भारत भूषण बोर्ड का प्रणाम। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 4 अक्टूबर 2020 को मंगल अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ रहे हैं। गुरु की मीन राशि उनकी मित्र राशि है और 4 अक्टूबर से 24 दिसंबर 2020 तक लगभग 3 महीने मंगल इसी राशि में गोचर करेंगे। एक और साथ में शुभ घटनाक्रम ये भी रहेगा कि फिलहाल वक्री अवस्था में चल रहे मंगल 14 नवंबर को मार्गी भी हो जाएंगे। मंगल का गोचर में राशि परिवर्तन सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालेगा। आज हम बात करेंगे 4 राशियों की, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के विषय में। सबसे पहले धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के चौथे शुभ स्थान में मंगल गोचर करेंगे। चौथा स्थान सुख का भाव माना गया है। इस भाव से माता, संपत्ति और वाहन का विचार होता है, तो आप लोगों के लिए चौथे भाव का गोचर बहुत ही शुभ कहा जाएगा। आप किसी नए वाहन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई आप वाहन वगैरह खरीदना चाहते हैं तो इसमें आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। किसी प्रॉपर्टी की सेल परचेज के लिए भी ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके अलावा आपको इस समय पर भौतिक सुख साधन अपने जीवन में जुटाने के लिए अवसर भी मिलेंगे, आप प्रयास भी करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। एक और अच्छी बात ये होगी कि यहाँ बैठे हुए मंगल की चौथी दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन पर रहेगी, जिसका प्रभाव ये रहेगा कि आपका अपने जीवन साथी से सामंजस्य, सहयोग बहुत अच्छा रहेगा, आपको पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही कोई आपका बिजनेस पार्टनर है तो उनसे भी आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है। यहीं से मंगल की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि रहने से आपको अपने व्यवसाय में, जिस भी कार्यक्षेत्र में आप हैं, बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, आपको लगातार सफलता मिलती चली जाएगी। अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं, राजनीति वगैरह में हैं, तब आपको बड़े मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही जो लोग जॉब में हैं उनको प्रमोशन के चांस रहेंगे। जो लोग व्यापार में, बिजनेस में, किसी भी क्षेत्र में हैं, उनको वहाँ पर लगातार वृद्धि मिलती चलेगी। और जो काफ़ी समय से अपने काम धंधों को लेकर परेशान हैं, उनके लिए बहुत बड़ा राहत का समय लेकर मंगल देवता आने वाले हैं। यहीं से मंगल की एक और शुभ दृष्टि आपके 11वें एकादश लाभ भाव पर रहेगी। मंगल की 8वीं दृष्टि एकादश भाव पर होना निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही खुशी की बात रहेगी। आपको अचानक धन प्राप्ति के योग मिलेंगे, जिसकी आशा या अपेक्षा भी हम नहीं करते, उन साधनों से अपने आप धन आने लगता है। तो मंगल की लाभ भाव पर अष्टम दृष्टि होना निश्चित तौर पर धनु राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। धनु के बाद हम मकर राशि की बात करें। मकर राशि वालों के तीसरे पराक्रम भाव में मंगल गोचर करेंगे। आपका आत्मविश्वास चरम पर पहुंचाएंगे, आलस्य शरीर से अलग हट जाएगा, आप नई योजनाएं बनाएंगे, आपको छोटे भाई बहनों को साथ मिलेगा, आपको अपने सहयोगियों का साथ मिलेगा और आप लगातार भविष्य की योजनाएं बनाते रहेंगे। यहीं से मंगल की सप्तम शुभ दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर रहेगी। आपके रुके हुए कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, नई नई योजनाएं बनाएंगे और जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है उनको जॉब मिलने लगेगी। जो लोग अपने व्यवसाय के लिए संघर्षरत हैं उनको नए रास्ते और सफलताएं भी मिलती चलेंगी। यहीं से मंगल की अष्टम दृष्टि आपके दशम भाव पर रहेगी, यानी कि आपको व्यापार में, अपने कार्यक्षेत्र में, अपने जॉब में लगातार सफलता मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो लोग जॉब में हैं उनको प्रमोशन मिलेगा और जो लोग जॉब के लिए संघर्षरत हैं उनको जॉब मिलेगा। तो बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के धन भाव में मीन राशि में मंगल का गोचर रहेगा। इन 3 महीने धन की वृद्धि होगी, आपकी सेविंग बढ़ेगी। साथ ही ये भाव परिवार और कुटुंब का भी है। यदि आपका कोई पैतृक संपत्ति का विवाद है वो सुलझने के पूरे पूरे संभावना रहेगी, यदि आप उसके लिए प्रयास करते हैं। आपके अपने कुटुंब से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। यहीं से मंगल की सप्तम दृष्टि
आपके अष्टम भाव पर रहेगी, आपको लंबी दूरी की और धार्मिक यात्राएं करने का सौभाग्य मिल सकता है। मंगल की आठवीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर भी रहेगी तो आपके भाग्य की वृद्धि करेगी। जो लोग जॉब के लिए प्रयासरत हैं उनको जॉब मिलेगा, जो लोग अपना व्यवसाय व्यापार के लिए चिंतित हैं, परेशान हैं या भाग्य साथ नहीं दे रहा है उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर भी रहेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बहुत ही लाभकारी है। तो बात करते हैं मीन राशि की, क्योंकि मीन राशि में ही मंगल का गोचर 3 महीने रहने वाला है। तो मीन राशि वालों के लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ कार्य रहने वाला है। आप में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, आत्मबल का संचार होगा, आपका तेज बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका राजनयिकों से, बड़े अफसरों से, बड़े व्यापारियों से, उद्योगपतियों से संपर्क बनेंगे। लगातार आपको चारों तरफ से अच्छे संपर्क और मार्ग मिलते चलेंगे। यहीं से मंगल की चौथी दृष्टि आपके शुभ भाव पर भी रहेगी तो आप सुख सुविधा के साधन बढ़ाने जुटाने में जुट जाएंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। साथ ही इस समय पे आप अगर कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना चाहते हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा यदि आप कोई वाहन वगैरह लेना चाहते हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। आपकी राशि में बैठे हुए मंगल की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी जो पारिवारिक जीवन का भाव है। आपको अपने जीवन साथी से भरपूर सहयोग और सहायता मिलेगी, समर्थन मिलेगा। इसके साथ ही कोई आपका बिजनेस पार्टनर है वहाँ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा और आपके लिए गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। यहीं से मंगल की अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी, आपको लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं करने का भी सौभाग्य मिलेगा। इस प्रकार से धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 4 राशियों के विषय मैंने आज बताया। 4 राशियों के लिए मंगल का ये गोचर बहुत ही शुभ कार्य रहने वाला है। मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को भारत भूषण गौरव।